किसान भाइयों, मैं पंकज चौहान फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं अभी हिमाचल के रोहडू क्षेत्र के अपने गांव में हूँ। तो किसान भाइयों, आज मैं कुछ आपके लिए अलग टॉपिक लाया हूँ। तो सबसे पहले, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो किसान भाइयों, आज मैं कुछ और अलग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हमारा जो हमारा सेब का जो नीचे छिट्टे, मतलब जो वेस्ट मटेरियल बोलते हैं जिसको, उसका मैं यूटिलाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम, वो आज सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो किसान भाइयों, होता क्या है, आपने हाल ही में सुना होगा कि अपने बगीचे में धुआं मत लगाओ। धुआं मतलब जो आप वेस्ट मटेरियल को जलाते हैं उसका धुआं निकलता है, उसको मत लगाओ। सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा। तो इसको, ये वायरल कब हुआ? अभी शायद हाल ही में, अभी 2 महीने पहले ये वायरल हुआ है। ये वायरल क्यों हुआ है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। क्योंकि आज जो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, ये जो हम जला रहे हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल जला रहे हैं, आज हम हिमाचल की बात नहीं करेंगे, पूरे इंडिया की बात करेंगे। हमारे, अगर दिल्ली को देखें आप, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे सब कुछ जो ये जो धुआं निकल रहा है जल के, इससे भी ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। चलो हम वहाँ की बात दूसरे टाइम करेंगे, पहले हम अपने हिमाचल में आते हैं और यहाँ के जो आज प्रॉब्लम आ रही है इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, जो आप वेस्ट मटेरियल जो सेब से निकलता है हमारे, जिसको छांग कहते हैं, कटिंग कहते हैं, कटिंग के बाद, तो इसमें होता क्या है, जब आपकी कटिंग नीचे कर ली है उसको मत जलाओ, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। और अगर आपको ये पता है कि हमारे को ये वेस्ट मटेरियल क्यों नहीं जलाना चाहिए, तब आप किसी और को बोलो प्लीज़। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आज इसको बताता हूँ कि ये होता क्या है और ये इसको क्यों नहीं जलाते। देखिए किसान भाइयों, जो हमारा 2-3 साल से ऐसा शेड्यूल बन गया है कि बर्फ़ नहीं लग रही है, इसका कारण है जो हमारा क्लाइमेट है, वो डॉर्मेसी सीजन के टाइम गर्म हो जाता है, जिसके कारण हमारी बर्फ़ नहीं लगती। तो बर्फ़ इसलिए नहीं लगती, जैसे ही हमारा मौसम ख़राब होता है, लोग अपने बगीचों में धुआं लगाना स्टार्ट करते हैं, छिट्टे जलाना स्टार्ट करते हैं। इससे जो गर्म धुआं है हमारे बादल को छू लेना, तो वो गर्म हो जाता है। इसके कारण जो हम बर्फ़ बनने वाली होती है वो बनती नहीं है सही से, और वो वहीं पे ही पिघल कर उसका पानी बन जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा किसान भाइयों, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बर्फ़ होगी नहीं, जो हमारा एप्पल का फ्यूचर है बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचो, मतलब ऐसा करने से बचो। तो आपका क्वेश्चन होगा किसको जलाए, नहीं तो फिर क्या करें। फिर मैं आपके लिए बहुत ही दो आइडिया निकाले हैं। सबसे पहला आइडिया, फ़ायदे का बताता हूँ मैं आपको, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, जब आपकी फ्लावरिंग होती है उस टाइम क्या होता है, पाला पड़ता है कि नहीं, ज़रूर पड़ता है, पाला पड़ता है, आपके फूल जलते हैं, जिसके कारण आपकी फसल भी नहीं होती। देखिए, फसल नहीं होगी तो हमारा औचित्य नहीं है इसे उगाने का कोई। तो क्या होता है, पाले के टाइम अगर आप धुआं दो तो हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करता, उस टाइम हमारी हेल्प करता है वो धुआं। तो इस धुएं को अगर आपने लगाना ही है, तब आप फ्लावरिंग के टाइम लगाओ, जब हमारे पर्यावरण में क्या होता है, पाला पड़ता है, ऊपर से बारिश लगती है, सुबह के टाइम पाला पड़ता है। आपको सिर्फ फ्लावरिंग का टाइम होता ही 20 से 30 दिन का है, बस आप 1 महीने में कॉम्प्रोमाइज़ करो अपने आप से, अपने नींद से। बस आप 2 बजे उठो, रात को धुआं दो, सुबह तक वो धुआं चलता रहेगा, और इससे आपका वो भी जल गया, जो आपने वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया था वो भी जल गया, और काम भी हो गया आपका, आपकी फसल पूरी की पूरी आ जाएगी। और इसमें दूसरा ये है, अगर आप नहीं जलाना चाहते तो इसको ऐसा कर लो, सारे जितने वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह इकट्ठे करके उसकी एक लेयर बना दो, और उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना दो, मिट्टी की जो भी आपकी मिट्टी है उसकी लेयर बना दो, फिर और एक छिट्टों की लेयर बना दो, वेस्ट मटेरियल जो सेब का निकलता है उसकी लेयर बना दो, फिर और मिट्टी डाल दो, फिर तीसरी लेयर में क्या करना है, आपने गोबर की एक लेयर लगानी है, पतली सी, ज़्यादा नहीं, फिर उसके ऊपर और छिट्टे डालो, फिर लास्ट में उस पर और मिट्टी डाल दो, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा मात्रा में डालनी है। फिर क्या होगा, आपका वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज होगा,
आप ऐसे ही देखिए, कहीं भी आपने अगर पिछले साल का वेस्ट मटेरियल रखा होगा वो दूसरे साल के लिए बहुत नरम हो जाता है। अगर आपने ऊपर रखा, अगर आपने मिट्टी के साथ उसका अगर उबनाया है, फ्लो नहीं है, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। वैसे अब वेस्ट डिकम्पोजर आया है, कुछ भी आया है मार्केट में जो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज करता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, ऐसा होता है अगर आपने ऐसा कर लिया, उसकी खाद बन जाएगी, उस खाद को आप यूरिया के रूप में अपने प्लांट को दे सकते हैं। वो देखिए आपके दो दो फायदे हो जाएंगे। और अब मैं नुकसान की बात करूँगा। सबसे पहले किसान भाइयों देखिए, ऐसा होता है जो आपके जहाँ आप वेस्ट मटेरियल सेब का जलाते हो, उस जगह में जहाँ पे आपने एक बार जला दिया, उसके नीचे जितने भी हमारे पोषक जीवाणु हैं वो सारे मर जाते हैं टोटल। आपने कभी भी देख लेना, जहाँ आप उन लकड़ी को जलाओगे, उस वेस्ट मटेरियल को जलाओगे, तो वहाँ 3 साल तक 5 साल तक कुछ भी नहीं लगेगा। लगेगा तो लगेगा, लगेगा क्यों? क्योंकि जब उसकी राख बनती है, राख क्या है, जो NPK का K है वो उस राख का सॉल्यूशन बन जाता है पूरा के। तो उसमें 3 साल बाद जो हमारे जीवाणु बनते हैं उसका यूटिलाइजेशन तब होगा, तब तक वो ज़मीन भी ख़त्म है। तो इससे देखो आपका नुकसान ही है, आप जलाओगे फिर आपकी ज़मीन गंदी होगी, फिर वो 3 साल बाद 4 साल बाद बनेगी, तब तक आप इसलिए ऐसा करो, पहले उसको धुएं के लिए रखो फर्स्ट ऑप्शन। अगर धुएं के लिए नहीं रखना है तो सेकेंड ऑप्शन के लिए आप उसकी खाद बना सकते हैं। बस इतना सही है, इस कॉन्सेप्ट को सब समझो प्लीज़ किसान भाइयों। अब कहीं जगह काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई है, अगर आप कहीं जलाते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पड़ोसी को, अपने गांव कलीग्स हो, किसी को शेयर करो, ताकि वो भी ये जो हमारा आज पर्यावरण को दूषित करने का काम चल रहा है धुएं को लेकर, ये बच जाए। अगर ये चीज़ बच गई तो हम धीरे धीरे अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब चीज़ें। अगर ऐसा चलता रहा तब सही नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों आज मैं अपनी वाणियों के ही विश्राम दूंगा, क्योंकि हिमाचल की ठंड अब स्टार्ट हो गई है, अब कश्मीर में भी शायद बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, तो आज हमारा मौसम बहुत ही शुष्क और सुहाना है। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय भारत।